हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ बिनीशियो आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये पार्ट वन है और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो पहले हम जान लेते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है जब लेजिस्लेशन अपना फंक्शन किसी और ऑर्गन को दे देता है मतलब वो खुद लेजिस्लेट ना करके किसी सब्जेक्ट मैटर पर यह काम किसी और ऑर्गन को दे देता है कि आप इस पर लेजिस्लेशन लाइए तो इसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ठीक है जैसी एग्जाम्पल है एजेंटियल कमोडिटीज एक्ट इसमें क्या हुआ ये एक्ट तो आ गया लेजिस्लेशन ने इस एक्ट को बना दिया लेकिन उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं समय पे आकर कि कौन सा कमोडिटी एजेंटियल में आएगा कौन सा एजेंटियल में नहीं आएगा ठीक है वैसे एक और एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट इसमें क्या हुआ यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो एग्जेप्ट कर सकते हैं किसी इस्टाब्लिशमेंट को कि वो किसी एक्सेप्शन uh, कि दे सकते हैं एनी क्लास ऑफ़ इस्टाब्लिशमेंट को फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कि कौन सा इस्टेब्लिशमेंट पे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि लेजिस्लेचर क्या करता है अपनी पावर किसी और ऑर्गन को दे देता है ठीक है जैसे कि सैलमन ने कहा था सैलमन ने कहा था लजिसलेचर इज ई द सुप्रीम और सबॉर्डिनेट, ठीक है तो डेलीगेटेड किस में आया सबॉर्डिनेट ऑर्डिनेट में आया इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ रीजंस क्या थे इसकी ग्रोथ के पीछे सबसे पहला था प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट्री टाइम जैसा कि हमने देखा कि पार्लियामेंट को बहुत सारे लॉ बनाने होते हैं उसके पास बहुत सारे काम होते हैं तो पार्लियामेंट ने क्या किया वो जनरल पॉलिसी बना देता था मतलब कि वो एक स्केलेटन हमें प्रोवाइड करवा देता था और एम्पावर कर देता था एक, एक एग्जीक्यूटिव को कि आप इसमें डिटेल्स भर दें मतलब क्या होता था कि लेजिस्लेचर एक स्केलेटन प्रोवाइड कर देता था और एग्जीक्यूटिव से कहता था अब आप इसमें जैसे फ्लैश और ब्लड भर लीजिए तो यही काम जो एग्जीक्यूटिव को दिया गया ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और ये क्यों दिया गया क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था पार्लियामेंट्री टाइम के ऊपर दूसरा है टेक्निकालिटी पार्लियामेंट हर सब्जेक्ट मैटर पे लॉ नहीं बना सकती क्यों क्योंकि उसके पास हर चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं होती है जैसे एटॉमिक एनर्जी ड्रग्स इलेक्ट्रिसिटी इन सब के लिए एक बेसिक नॉलेज एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है तो ये वर्क वो क्या करता है किसी स्पेसिफिक सेक्टर uh, को दे देता है स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव को दे देता है कि वो इस पर लॉ बनाए उसके बाद आ जाता है फ्लैक्सीबिलिटी इसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट हर वक्त ये चीज़ नहीं देख सकता कि आगे ऐसी कौन सी कंटेंजेंसीज आने वाली हैं ठीक है वो हर सिचुएशन को फोर्स ही नहीं कर पाता है और साथ में हमने ये भी देखा कि लजिस्लेशर में अमेंडमेंट करना बहुत ही स्लो है तो इस चीज़ को बेटर तरीके से कौन कर सकता है एग्जीक्यूटिव कर सकता है वो किसी भी काम को तो थोड़ा जल्दी कर लेता है ठीक है फिर आया एक्सपेरिमेंट पार्लियामेंट हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है वहीं एग्जीक्यूटिव इसके पास एम्पल पावर होती है या कह सकते हैं कि एम्पल ऐसी सिचुएशन होती है कि एक्सपेरिमेंट कर सकता है फिर आता है इमरजेंसी इमरजेंसी के समय भी हम जो पार्लियामेंट जो काम करेगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है जैसे ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर स्ट्राइक हो जाता है बंद हो जाता है इन सब में जो एग्जीक्यूटिव काम करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो काम किया जाता है वो थोड़ा एक्सपीडियसली होता है थोड़ा तेज़ होता है और साथ ही स्लो नहीं होता है थोड़ा फास्ट होता है उसके बाद आता है फंक्शंस विच मे बी डेलीगेटेड ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो डेलीगेट किए जा सकते हैं पहला है कमेंसमेंट इसका मतलब है कि एक लॉ तो बन जाता है पर यह बात पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दी जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताए कि किस डेट से ये वाला एक्ट कमेंस होगा किस दिन से ये एक्ट आएगा ठीक है फिर आता है सप्लाइंग डिटेल्स जैसा कि हमने देखा कि वो स्केलेटन सिर्फ प्रोवाइड कर देता है बल्कि अंदर की जो डिटेल्स हैं कि और क्या क्या चीज़ें होंगी इस एक्ट में वो सारी किसके किसको को देनी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं एग्जीक्यूटिव को दे दी जाती हैं फिर है इंक्लूजन इसमें यह है कि ये एक्ट किस कितनी टेरिटरी तक जाएगा डिफरेंट टेरिटरीज को कौन कौन सी टेरिटरीज को कवर करेगा किन पर्सन को कवर करेगा कौन सी कमोडिटीज़ को कवर करता है ये सब भी डेलीगेट किया जा सकता है एक्सक्लूशन मतलब कि डेलीगेटेड पावर में यह भी कि वो एक्सक्लूड कर सकते हैं कि मतलब कि किस टेरिटरी में नहीं लागू होगा ये लॉ या किन पर्सनस पर नहीं लागू होगा किन कमोडिटीज़ पर नहीं लागू होगा सस्पेंशन इसका मतलब है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दिया जाता है इस चीज़ में भी कि वो सस्पेंड कर सकते हैं कि एक प्रोविज़न जो है किसी एक्ट का वो कहाँ पे लागू होगा कहाँ पे लागू नहीं होगा एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस अगर ऑलरेडी कोई लॉ है उसका अब एप्लीकेशन करना है तो इस चीज़ के लिए डेलीगेटेड किया जा सकता है फिर हम मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर हम किसी एक्ट को कहीं पर लागू कर सकते हैं या उसे एक्सटेंड कर सकते हैं तो मॉडिफ़िकेशन का राइट भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में मतलब उसको डेलीगेट किया जा सकता है फिर आता है प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट पनिशमेंट भी ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हम पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब कोई कर सकता है फिर है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर ऐसा लगता है कि कोई डिफिकल्टीज हैं तो इट हैज़ टू तो बी इन कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द पेरेंट एक्ट अगर हम कोई चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमने कोई ऐसी चीज़ डेलीकेटे लेजिस्लेशन में कोई ऐसी चीज़ रिमूव कर दी हो जो बहुत ही बेसिक हो जो पेरेंट एक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उसको हम नहीं हटा सकते सिर्फ किस चीज़ को हटा सकते हैं जो कि हमें लगता है कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है उसे एग्जीक्यूटिव हटा सकता है उसके बाद आता है फंक्शंस विच में नॉट बी डेलीगेटेड ऐसे कौन से फंक्शंस हैं पहला है एजेंटियल लेजिलेटिव फंक्शन बेसिकली जो एजेंटियल फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो तो वो डेलीगेट नहीं कर सकता है ठीक है उसके बाद आता है रिपील ऑफ लॉ जो भी ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या ये किसी लॉ को रिपील कर सकता है नहीं कर सकता है क्योंकि ये स्पेशल पावर है लेजिस्लेचर की उसके बाद है मॉडिफिकेशन हमने जो ऊपर मॉडिफिकेशन दिखा था उसमें था एजेंटियल फीचर्स का आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ वो कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई बेसिक चेंजेस कर दिए पेरेंट एक्ट में तो वो आप नहीं कर सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं कि आज से लागू होगा नहीं हम बताने लगे कि नहीं कल से लागू होगा तो ऐसा एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती है फ्यूचर एक्ट्स हम प्रेजेंट का ही मतलब जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दिया गया वो प्रेजेंट एक्ट में दिया जाता है ठीक है आप फ्यूचर में जो चीज़ आने वाली है उस पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काम नहीं कर सकता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं कर सकता ठीक है थैंक यू